मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक था। वहाँ मैं प्रत्यक्ष सेवा में नहीं जा पाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ एक महीने पर कुछ करूँ। तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैं जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों के संपर्क करूँ, उनके साथ 2-3 घंटे बिताऊँ, उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता समझूँ और उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझूँ। तो उस दौरान मुझे पता चला कि अगर ये पीढ़ी को, ये समाज को जो ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनको बाहर निकालना है तो बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए। और इस सोच से मैंने गुरु से प्रार्थना की और मैंने संकल्प लिया कि मैं ऐसी बस शुरू करूंगा जो उसमें पूरी सुविधा क्लासरूम की तरह हो। और वही बात आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि कल हमारे स्कूल का लोकार्पण हुआ। आप देख सकते हैं कि पूरी बस में हमने क्लासरूम में जो सुविधा आमतौर पर नहीं होती है ऐसी सुविधा की है जो बच्चों को प्रेरित करेगी हर रोज आने के लिए। तो मुझे आज खुशी है कि हम विद्यादीप और विद्याकुंज के माध्यम से हमारा दिव्य पथ मानवता की महक जो ग्रुप है उनके द्वारा हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से ये स्कूल में शुरू करने जा रहा हूँ। साथ में मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बस के डोनर सिरिस कापड़िया, श्रेयम मोहनलाल कापड़िया एंड फैमिली ट्रस्ट जो है उन्होंने पूरे बस का डोनेशन हमको दिया है। जो महीने भर में खर्च आने वाला है वो भी हमारे बहुत सारे मित्रों ने और खुद ये जो श्रेयम एजुकेशन है उनको उन्होंने भी देने के लिए बोला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको मेंटेन करना, कायम रखना वो बहुत ये रहेगा। बस में जैसे क्लासरूम में बेंच होती है मगर कलरफुल फ्लोरिसेंट बेंच है, साथ में टीवी के माध्यम से बच्चों को कार्टून फिल्म्स, सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा हम दे पाएंगे, बच्चों को पिक्चर बता के भी उनको मनोरंजन मिले, क्योंकि दूसरे दिन वो ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहें ऐसा माहौल हम क्रिएट करने के लिए बस में पूरी सुविधा उपलब्ध की है। बस में हवा के लिए फैन भी हमने रखे हैं और साथ में जो भी इतर एक्टिविटीज़ जो होती है उसके खिलौने या जो भी साधन है वो सब हमने प्रोवाइड किए हैं। अभी 32 बच्चे हैं और वैसे रजिस्ट्रेशन तो 50 प्लस हुआ है। हम चाहेंगे कि 2 पाली में हम स्कूल चलाएंगे क्योंकि 1 पाली में 32 बच्चे रहेंगे,
तो सुबह शाम दो वक्त हम तीन तीन घंटे स्कूल चलाएंगे।